अंडा लोग प्रोटीन की वजह से खाना पसंद करते हैं, तो आज हम आपके साथ एक ऐसी रेसिपी लेके आए हैं जिससे आप अंडा घर पे ही बना सकते हैं, जो कि एक कम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है क्योंकि उसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स मौजूद हैं। सबसे पहले हम लेंगे 2 कप चावल का आटा, जिसे हम मिक्सी के जार में डाल लेंगे। 100 ग्राम टोफू, जिसको हमने चंक्स में तोड़ लिया है। 1 बड़ा चम्मच नारियल का तेल, 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर का, 1 छोटा चम्मच काला नमक अंडे जैसी खुशबू के लिए, 1 बड़ा कप पानी का। इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्सी में तब तक ब्लेंड करेंगे जब तक मिक्सचर अच्छी तरह से स्मूथ नहीं हो जाता। अब इस मिक्सचर को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसी मिक्सचर के 2 से 3 चम्मच हम एक छोटे बर्तन में निकाल लेंगे। अंडे का पीला भाग बनाने के लिए छोटे बर्तन में जो मिक्सचर है उसमें हम 1 चम्मच न्यूट्रिशनल यीस्ट का डालेंगे। उसमें हम 1 छोटा चम्मच हल्दी का डालेंगे, या आप कोई और नेचुरल फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन इंग्रेडिएंट्स को इस मिक्सचर के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर आपको ये मिक्सचर गाढ़ा लग रहा है तो इसमें 2 बड़े चम्मच पानी के और डाल लीजिए। इन दोनों तैयार किए हुए मिक्सचर्स की कंसिस्टेंसी ना ही बहुत गाढ़ी है और ना ही बहुत पतली। अब जब मीडियम हाई सेक पर तवा अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो उस पर आप तेल लगा लीजिए। तैयार किए हुए पीले मिक्सचर में से 1 चम्मच हम तवे के बीचों बीच डालेंगे और दूसरे घोल का 1 बड़ा चम्मच इसके चारों ओर डाल देंगे। अब सेक को हम कम कर देंगे और थाली से अंडे को 1 से 2 मिनट तक के लिए ढक देंगे। अब यह अंडा पक के तैयार हो गया है। वो लोग जो अंडा खाना छोड़ना चाहते हैं पर अंडे से मिलने वाला प्रोटीन नहीं, वो लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपको हमारी और रेसिपीज़ हमारे नए YouTube चैनल पे मिल जाएगी, जो सिर्फ रेसिपीज़ को ही डेडिकेटेड है। उसका एड्रेस है youtube.com/peoplefarmproducts।